वो एक बड़ा महानगर था। उस शहर में मल्लेश नाम का एक व्यक्ति का ट्रैवल्स और टूर्स का बिजनेस था। उसके पास बहुत सारे कार्स, वैन्स और जीप्स थे। एक बार एक कस्टमर ने आकर, सर मुझे अर्जेंट न्यू दिल्ली जाना है, कार किराए पर चाहिए। कौन सा कार चाहिए सर? हमारे पास कई किस्म के कार, वैन और जीप हैं। कार के मॉडल के हिसाब से उसका रेट होगा। कोई भी कार चलेगा, लेटेस्ट कार हो तो बहुत बढ़िया है। देखिए सर, आपको जो कार चाहिए आप ले लीजिए, आपका आईडी कार्ड और एडवांस जरूरी है। कस्टमर ने कार को चुना और, मलेश जी मुझे वो कार चाहिए, ये लीजिए आईडी कार्ड, कहकर एडवांस भी दिया। उस शहर में केवल मलेश का ही एक टूर्स एंड ट्रेवल्स होने के कारण उसका धंधा खूब चल रहा था। बहुत सारे कस्टमर्स आते थे। मलेश ने कम समय में ही बहुत सारे कार्स खरीदा। वो बड़े कंपनी में बदल गया। मलेश के पास बहुत पहले से ही एक मैकेनिक काम करता था, उसका नाम था प्रताप। एक बार प्रताप मलेश से, सर मैं कई सालों से आपके पास काम कर रहा हूँ, तब से लेकर अब तक कई कारों का सर्विस किया है मैंने, पर मेरी तनख्वाह तब जितनी थी अब भी उतनी ही है, थोड़ा बढ़ाइए ना सर प्लीज। क्यों भाई, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इतने सारे कार मैंने तुम्हारे वजह से ही खरीदा है। सर मेरा ये इरादा नहीं है, आपके तरक्की के लिए ही हम सबने मेहनत की है सर, हम भी आपके साथ तरक्की करें, यही ठीक है ना सर? चलो देखते हैं। कल मुकेश नाम का एक मशहूर फिल्म स्टार अपने शहर आ रहा है, पहले उसके लिए एक कार तैयार करो। अगले दिन प्रताप ने एक कार तैयार किया और मलेश के पास आकर, मलेश जी कार तैयार कर दिया है, कम से कम अब तो मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। प्रताप, देखते हैं। अरे मैं तो बताना भूल ही गया, अपने फिल्म स्टार का जो ड्राइवर है वो नहीं आया, तुम्हें आज ड्राइवर बनकर जाना होगा। इस तरह प्रताप ड्राइवर बनकर फिल्म एक्टर मुकेश को जाकर रिसीव किया। गुड मॉर्निंग मुकेश जी, मैं आपका ड्राइवर हूँ। ओ गुड मॉर्निंग, कहकर कार में बैठ कर गया। यूं प्रताप मुकेश जहां कहता वहां उसे बड़े सहनशीलता के साथ ले गया। प्रताप ने मुकेश को अच्छा भोजन कराया और, सर ये हमारे शहर का खास भोजन है, कहकर उसे परोसा। उस रात को मुकेश को एयरपोर्ट में ड्रॉप किया। प्रताप यू मेड माई डे, मैंने बहुत लोगों को देखा है पर तुम्हारी तरह मेहमान नवाजी करने वाले को किसी को नहीं देखा, क्या तुम मेरे साथ आओगे? सर मैं अपने मालिक के पास कई सालों से काम कर रहा हूँ, सॉरी सर। इट्स ओके, कहकर चला गया। उस रात को प्रताप मलेश के पास आकर, सर फिल्म एक्टर मुकेश को कोई भी कमी नहीं होने दिया, जरा तनख्वाह तो बढ़ा दीजिए सर। क्यों रे, मैं दो दिनों से देख रहा हूँ सैलरी बढ़ाओ कहकर नाक में दम कर रखा है, सैलरी वैलरी कुछ नहीं, मैं जितना देता हूँ उतना ही दूंगा, काम करना हो तो करो वरना जाओ यहाँ से, कहकर उसका अपमान किया। प्रताप को इतने साल वहाँ काम करके भी सही कदर ना मिली तो उसके कारण वो दुखी होकर वहाँ से चला गया। अगले दिन प्रताप ने अपने दोस्तों को सब बताकर दुखी हुआ। अरे यार वो मलेश तो बहुत घमंडी हो गया है, वरना इतने साल काम करने के बाद भी कोई यूं अपमान करता है क्या? अरे ये सब रहने दो यार, तुम ही एक टूर्स एंड ट्रैवल शुरू कर दो ना। आइडिया तो अच्छा है पर मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? तब सारे दोस्तों ने मिलकर, अरे हम सब मिलकर एक सेकंड हैंड कार खरीद लेते हैं यार और शुरू कर देते हैं। इस तरह प्रताप और उसके दोस्तों ने मिलकर टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी शुरू किया। लेकिन मलेश के शुरू से ही मार्केट में होने के कारण इनके पास ज्यादा कस्टमर नहीं आते थे। एक बार प्रताप, अरे 6 महीने हो गए यार, अब तो कोई खास कस्टमर नहीं आया। हाँ यार हम कहीं कोई गलती कर रहे हैं, अच्छी तरह सोच कर उसे ठीक करना होगा। उस दिन रात को प्रताप ने बहुत सोचा, उसे एक आइडिया आया। अरे हम अपने कार को एक स्पोर्ट्स कार में क्यों नहीं बदल देते, इंजन गियर वगैरह तो वही होगा लेकिन उसका रंग और लुक्स को बदल कर उसे स्पोर्ट्स कार में बदल देते हैं, क्यों क्या कहते हो? इस शहर के लोगों को स्पोर्ट्स कार एक नयापन देगा। उसके दोस्तों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा तो सब ने मिलकर उसे एक स्पोर्ट्स कार में बदल दिया। बस फिर क्या, अगले दिन प्रताप उस स्पोर्ट्स कार में घूमने लगा तो सब हैरान हुए,
उसी टाइम फिल्म स्टार मुकेश उस शहर में आया तो उस स्पोर्ट्स कार को देखकर, वाओ स्पोर्ट्स कार, यदि मैं इस स्पोर्ट्स कार में घूमूं तो मेरा इमेज दुगना हो जाएगा, कहकर अपने मैनेजर से, मुझे वो कार चाहिए, मैं इस शहर में उसी कार में घूमूंगा। अगले दिन प्रताप स्पोर्ट्स कार को लेकर मुकेश के पास आया और, सर ये मेरा ही कार है, मैंने नया टूर एंड ट्रैवल शुरू किया है सर, मुझे इस बात की खुशी है कि आप ही मेरे पहले कस्टमर हैं, कहकर कार में बिठाया। तो अगले दिन एक व्यक्ति आया, सर क्या यही वो स्पोर्ट्स कार है जिसमें फिल्म स्टार मुकेश बैठे थे, हमारे हीरो भी इसी स्पोर्ट्स कार में जाना चाहते हैं, ये लीजिए एडवांस, कहकर पैसे दिए। इस तरह प्रताप का आइडिया कामयाब हुआ तो उसने खूब तरक्की की और कई स्पोर्ट्स कार्स खरीदा। स्वाति नाम की औरत हर एक के घर में झाड़ू पोछा करके अपना पेट पालती थी। इतनी मेहनत करके घर घर काम करने के बावजूद वो पसंदीदा सामान खरीद नहीं पाती थी। तभी उसके सामने अगर कोई अच्छी चीज दिखी तो वो चुरा लेती थी। एक बार वो एक के घर में झाड़ू मारते वक्त उसे मालिक के पर्स दिखाई दिया तो वो उस पर्स को चोरी करके अनजान बन के फिर से झाड़ू मारने लगी। मालिक ऑफिस जाते समय अपनी पत्नी से, क्योरी क्या तुमने मेरे पर्स को कहीं पे देखा है, कहकर ढूंढने लगा। अब्बा रोज कुछ ना कुछ भूल जाते, आज पर्स कहाँ पर भूल गए, पूछी। यहीं पे कहीं पे रखा था, कहकर सर खुजाने लगा। ठीक है पहले आप ऑफिस जाइए, मैं बाद में ढूंढ लूंगी, कहके उसे ऑफिस भेज दिया। तब पत्नी स्वाति को बुलाकर, क्यों रे स्वाति, झाड़ू मारते वक्त क्या तुमने पर्स देखा है, पूछी। नहीं मैम साहब, वैसे आपको मेरे ऊपर इतना यकीन नहीं है तो बोलिए, मैं काम छोड़ दूंगी, बोली पत्नी। तभी, बाप रे इसने अभी काम छोड़ दिया तो मुझे बहुत भारी पड़ेगा, अभी वो पर्स गया भाड़ में, सोचकर। क्यों रे, क्यों हर छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाती है, ठीक है जाके काम देख, कहकर वहाँ से चली गई। वैसे स्वाति छोटी छोटी चीजें चोरी करके सबको झांसे में डालती थी। एक बार स्वाति गलियों में जाते वक्त, मेगा सेल, आपके पसंदीदा हर सामान 50% डिस्काउंट, कहते हुए एक आदमी ट्रक के पास माइक में चिल्लाने लगा। स्वाति उस ट्रक के पास जाकर, भैया कुछ भी खरीदो तो 50% डिस्काउंट है क्या? हाँ माँ, आज एक दिन के लिए ही 50% डिस्काउंट है, कहा। तो स्वाति तुरंत उसने जो पर्स को चोरी किया था उसमें कुछ पैसे हैं या नहीं जांचने लगी। अब्बा मालिक हमारा बहुत खड़ूस है, सिर्फ 2000 रखा, कम से कम 5000 रखना चाहिए था ना, सोची। तब स्वाति ड्राइवर से, 2000 में क्या आएगा भैया, कुछ अच्छा आइटम है तो बोलो। 2000 में मिक्सर ग्राइंडर वैक्यूम क्लीनर आएगा माँ, कहा। वैक्यूम क्लीनर, एक बार वो क्या है बताइए, बोली। बहुत सिंपल है बा, इससे जमीन पे घसीटते हुए ले जाना है, वो जमीन पे धूल और मिट्टी को खींच लेगा, खींचे हुए सारे इस बकेट में गिरेंगे, वो बकेट को निकाल कर क्लीन करना है, बस उतना ही, कहा। हाँ क्या छोटी छोटी चीजें भी खींच लेगा, पूछी। खींच लेगा, बोला। अरे ये तो मुझे बहुत काम आएगा, सोचकर वैक्यूम क्लीनर खरीद ली। अगले दिन स्वाति मालिक के यहाँ वैक्यूम क्लीनर के साथ गई। वैक्यूम क्लीनर को देखकर मालिक, क्या है स्वाति ये, पूछा। ये वैक्यूम क्लीनर है, आज से इसी वैक्यूम क्लीनर से साफ करूंगी मैं, बोली। अरे वाह, टेक्नोलॉजी सही ढंग से उपयोग कर रही है, मॉडर्न मेड स्वाति, कहा। स्वाति वैक्यूम क्लीनर से घर पूरा साफ किया। आईने के पास छोटे छोटे ज्वेलरी आइटम्स को देखकर, आहा कल फंक्शन के लिए ये ज्वेलरी आइटम्स काम आएंगे, कहकर उन ज्वेलरी आइटम्स को उसके वैक्यूम क्लीनर में साफ किया। और एक घर में वैक्यूम क्लीनर से साफ करते समय एक अंगूठी दिखाई दी। अरे ये अंगूठी तो बहुत अच्छी है, मेरे पति को बर्थडे गिफ्ट दूंगी, सोची और वैक्यूम क्लीनर से चोरी कर दी। शाम को घर जाने के बाद वैक्यूम क्लीनर के बकेट में से उन आइटम्स को निकाल कर पहनने लगी। अब्बा इस वैक्यूम क्लीनर से कितने दिन छोटी छोटी चीजें चोरी करूं? अभी कुछ बड़े बड़े सामान को हाथ लगाना होगा, सोची। अगले दिन मालिक के घर साफ करते समय उसे एक बड़ी चेन दिखाई दी। आहा ये चेन कितना चमक रहा है, चोरी करना है तो ऐसी चीजें चोरी करनी चाहिए, एक ही झटके में सेटल हो सकते हैं, कहकर उस वैक्यूम क्लीनर की मदद से उस चेन को खींचने की कोशिश की।
तब चेन उस वैक्यूम क्लीनर में अटक कर धप 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 करते हुए आवाज आने लगी। मालिक भागते हुए आकर क्या हुआ कहकर देखा तो वैक्यूम क्लीनर में से धुआं निकलने लगा। अरे रुक, मैं रिपेयर कर दूंगा, कहकर वैक्यूम क्लीनर को ओपन करके देखा। उसमें उसके चेन और कमर पट्टी देखकर आश्चर्य हो गया। ओहो, तो इतने दिनों से चोरी तू ही कर रही थी, चल पुलिस स्टेशन, कहकर उसे पुलिस के हवाले किया।